बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड एंड मलाइती किचन में आपको वेलकम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी, और रेसिपी मैं बनाऊंगी जी येलो वाटरमेलन से। रेड कलर के वाटरमेलन तो आप सब ने बहुत खाए होंगे, लेकिन येलो कलर का मे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा। मैं भी पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ। हमारे यहाँ तो बहुत दफ़ा आते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी नहीं खाया, कभी ट्राई भी नहीं किया। तो आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी, काट के मैं आपको दिखाऊंगी, और इसके बाद मैं वाटरमेलन से लॉलीज बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो ठीक है जी, आइए काटना स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह येलो कलर कितना ज़बरदस्त है वाटरमेलन का। अब मैं पीसेस करूँगी और फिर खा के आपको बताऊँगी कि किस किस्म का टेस्ट है इसका, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही काटा है और पहली बार ही इसको टेस्ट करूँगी। देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, वाटरमेलन जैसा होगा या उससे डिफरेंट होगा। खा के मैं आपको बताऊंगी कि सेम टेस्ट है या डिफरेंट है। अब मैं प्लेट में छोटे छोटे पीसेस कर लूंगी। अच्छा, बीज इसके जो है ना वो कच्चे से लग रहे हैं, छोटे छोटे से हैं और वाइट कलर के। रेड वाटरमेलन में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर कच्चे कच्चे से वाइट से बीज है। तरबूज मैंने पीसेज में काट लिए, आप देख सकते हैं कि कितने जबरदस्त जूसी से पीसेज हैं इसके, खाने में भी टेस्टी है। मैंने खा के देखा है, जिस तरह रेड का टेस्ट होता है वैसे ही है सेम, लेकिन हम लोगों ने कभी खाया नहीं है तो थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था। अब हम ऐसा करेंगे, इसे फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे और फिर खाएंगे। और कुछ के मैं बीज निकालूंगी और छोटे छोटे सीड्स निकालने के बाद मैं इनकी आइस लॉलीज बनाऊंगी। तो अब मैं बीज निकाल लेती हूँ और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। वाटरमेलन के मैंने पीसेस कर लिए हैं और इनमें से सीड्स निकाल दिए हैं। अब मैं ब्लेंडिंग जार में डालूंगी। और इसमें थोड़ी शुगर ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉलीज में ज़रा ज़्यादा शुगर होगी तभी बच्चे पसंद करेंगे। अब मैं वाटरमेलन को अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। पानी नहीं ऐड करेंगे और थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको करना पहले शुरू में, लेकिन हो जाएगा। अभी दोबारा से मिनट एक बार फिर ब्लेंड करूंगी ताकि सारे पीसेस अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। मैं चेक करूंगी कि इसके अंदर शुगर की ज़रूरत तो नहीं है, अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ी सी। वाटरमेलन का जूस रेडी है, आइसक्रीम मोल्ड मैंने ले ली है, अब इनके अंदर भर लूंगी। इसके अंदर मैंने सिर्फ शुगर ऐड की है और थोड़ा सा नमक डाला है। अब मैं मोल्ड पे भर लूंगी।
वाटरमेलन जूस मैंने मोल्ड में भर लिया है। इसके अंदर मैंने सिर्फ वाटरमेलन के पीसेस, थोड़ा सा नमक और शुगर ऐड किए हैं और पानी वगैरह कुछ नहीं डाला। अब मोल्ड के को बंद करूँगी मैं अच्छी तरह से। इनके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इन्हें तकरीबन 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे फ्रीज होने के लिए, और फिर अच्छी सी लॉलीज रेडी हो जाएंगी। आप वाटरमेलन का जूस भी पी सकते हैं, इसमें आइसक्रीम क्यूब डालें और पिए, बहुत मज़ेदार ठंडा मीठा सा जूस आपको पसंद आएगा। अब मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, जब लॉलीज रेडी होंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आइस लॉलीज फ्रीज हो गई है, अब मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी, चेक करेंगे हम कि किस तरह नज़र आ रही है। फ्रीज़र से निकालने के बाद आप थोड़ा सा पानी निचली साइड पे लगाएं ताकि इजीली निकल सके। ये देखें जी, किस कदर ज़बरदस्त लॉलीज बनी है, बच्चों की फेवरेट है, बहुत मज़े की हैं। ये देखें सारी मैंने निकाल ली हैं, इनकी लुक देखें कितनी ब्यूटीफुल नज़र आ रही हैं। अगर आपने येलो वाटरमेलन खाया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा है, और मैंने लॉलीज भी बनाई हैं, लॉलीज भी बहुत अच्छी हैं, बहुत यम्मी लॉलीज हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और जहाँ भी रहें खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Well done, Mama.